नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है द पावर ऑफ बुक में। हम आपके लिए अमेजिंग बुक्स की समरीज लाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आज की बुक समरी है साइकोपैथ फ्री, जिसे लिखा है जैक्सन मैकेंजी ने। गलती करने से बचना नामुमकिन है। अगर आपने इन चीजों में से कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है तो अपना हाथ ऊपर करें। किसी टेस्ट में फेल होना, एवरेज काम को सबमिट करना या किसी गलत इंसान से प्यार करना। किसी से प्यार करना दुनिया का सबसे प्यारा एहसास होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उस शख्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्यार आपको सच में बहुत सुकून देता है। लेकिन गलत इंसान से प्यार करना एक बुरे सपने के जैसा होता है। इसकी वजह से ट्रॉमा खासकर तब होता है जब आप किसी साइकोपैथ से प्यार कर बैठते हैं। इसे आप एक अजीब सा पागलपन या सनक भी कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोचने भर से आपको अफसोस होने लगता है कि आपने उन्हें अपनी जिंदगी में आने ही क्यों दिया। एक साइकोपैथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। कोई इंसान जो आपके लिए नहीं बना है और कोई ऐसा इंसान जो आपकी जिंदगी को एक तरह से नर्क बना के रख देता है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, इसका जवाब आपको इस समरी में मिलेगा। यह समरी आपको ये भी देखने में मदद करेगी कि एक साइकोपैथ के रहने के बाद भी आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी। तो क्या आप एक साइकोपैथ की कैद से आजाद होने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है स्पॉटिंग टॉक्सिक पीपल। आपने इस तरह के लोगों को मूवीज, बुक्स और गानों में एक विलेन के तौर पर या एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में देखा होगा। आपने अपने आसपास के लोगों के साथ हुई कुछ पर्सनल घटनाओं के बारे में भी जरूर सुना होगा। आपको साइकोपैथ सिर्फ तब तक ही एक फिक्शनल कैरेक्टर की तरह लगता है जब तक असल में आपका सामना रियल लाइफ में किसी सनकी से नहीं हो जाता। साइकोपैथ टॉक्सिक लोग होते हैं जिनका बिहेवियर लगभग एक जैसा होता है, जो अपनी जिंदगी में मौजूद लोगों को चोट पहुंचाने और उन्हें मैनिपुलेट करने में ही लगे रहते हैं। नीचे बताई गई लिस्ट एक साइकोपैथ को पहचानने में आपकी मदद करेगी, लेकिन आपको दो चीजें याद रखनी होगी। पहले आपको ईमानदारी से खुद को चेक करना होगा कि कहीं ये पैटर्न आपके अंदर तो नहीं है। ऐसे कई टॉक्सिक लोग हैं जिन्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो खुद कितने टॉक्सिक हैं। दूसरा, इस लिस्ट में सिर्फ सबसे कॉमन बिहेवियर शामिल है, इसीलिए आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए साइकोपैथ पर की गई स्टडीज और उन पर लिखे गए आर्टिकल्स को ऑनलाइन जरूर पढ़ें। तो पहला बिहेवियर है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। जब आप किसी बात को लेकर एक साइकोपैथ से सवाल जवाब करते हैं तो वह उस बिहेवियर को मानने से साफ इनकार कर देता है। दूसरा बिहेवियर यह है कि साइकोपैथ किसी के प्रति सिंपैथी यानी हमदर्दी नहीं रख सकते। हमदर्दी का मतलब है खुद को दूसरे की पोजीशन पर रख कर सोचना। टॉक्सिक लोग ऐसा नहीं कर पाते। वो सेल्फिश लोग होते हैं जो ये नहीं समझ सकते कि उन्हें दूसरों के प्रति हमदर्दी क्यों रखनी चाहिए। तीसरा बिहेवियर है कि साइकोपैथ बहुत बड़े हिपोक्रिट यानी दोगले होते हैं। चौथा बिहेवियर है कि साइकोपैथ हमेशा झूठ बोलते हैं और बहाने बनाते रहते हैं। वह कभी खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। चाहे आप उन्हें फैक्ट भी दिखा देंगे, तब भी साइकोपैथ इस बात को नहीं मानते कि उन्होंने कोई गलती की है। उन्हें ना तो अफसोस महसूस होता है और ना ही शर्मिंदगी। पांचवा बिहेवियर है कि साइकोपैथ सिर्फ दूसरों की गलतियों पर फोकस करते हैं। उन्हें अपनी गलती कभी नजर नहीं आती। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। ऊपर बताए गए बिहेवियर का कभी कभार होना नॉर्मल है, लेकिन इसके रिपीट होने वाले पैटर्न्स को साइकोपैथ्स में हर रोज देखा जा सकता है। ऊपर बताए गए बिहेवियर के अलावा टॉक्सिक लोगों को पहचानने के दूसरे तरीके भी हैं। एक है खुद से हर रोज पूछना कि आज मुझे कैसा महसूस हो रहा है। इस सवाल के जवाब में आपको सिर्फ मैं ठीक हूं नहीं बोलना है। अपने जवाब को ध्यान से परखें। क्या आप उदास, निराश या टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर से मिलने के पहले आप अभी से ज्यादा खुश थे? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी महसूस हो रही है तो इस बात का हाई चांस है कि आप किसी साइकोपैथ से प्यार कर बैठे। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि इससे बाहर निकलने का तरीका है। नेक्स्ट चैप्टर है पर्सनलाइज्ड ग्रूमिंग। साइकोपैथ ही तुरंत पता नहीं चलने देते हैं कि वह कितने बुरे हैं। इसीलिए अगर आपको शुरुआत में कोई साइन नहीं दिखे तो इसके लिए खुद को ब्लेम ना करें। सच्चाई यह है कि साइकोपैथ अपना असली चेहरा छुपाने में बहुत चालाक होते हैं। रिलेशनशिप की शुरुआत में साइकोपैथ आपको अपना परफेक्ट पार्टनर बनाने के लिए ट्रेन करते हैं या उसी मुताबिक ग्रूम करते हैं। ग्रूमिंग में 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, जो है आइडियलाइजेशन, इनडायरेक्ट पर्सुएशन एंड फाइनली टेस्टिंग द वाटर्स। आइडियलाइजेशन में अच्छी फीलिंग्स आती है। इस स्टेज पर आपको उस साइकोपैथ से इमोशनली और सेक्सुअली कनेक्टेड महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आखिरकार आपको अपना वो परफेक्ट पार्टनर मिल ही गया जिसे आप ढूंढ रहे थे। आपको खुश और एक्साइटेड भी महसूस होगा।
वह बार बार आपके लुक्स और इंटेलिजेंस की तारीफ करेगा, आपको लगातार अटेंशन देगा। वह आपसे कहेगा कि आप दोनों की कितनी आदतें एक दूसरे से मिलती हैं और आप दोनों के सपने और उम्मीदें भी सेम हैं। ये चीजें आपको इस बात को मानने पर और भी ज्यादा मजबूर कर देगी कि आपको बिल्कुल ऐसा ही पार्टनर तो चाहिए था। इन एक्शंस को लव बॉम्बिंग कहते हैं और इन्हीं चीजों की बदौलत साइकोपैथ आपको अपना दीवाना बना देते हैं। भले ही आप दो हफ्ते पहले ही मिले हो तो भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों न जाने कितने अरसों से एक दूसरे को जानते हैं। दूसरा स्टेप है इनडायरेक्ट पर्सुएशन। साइकोपैथ आपको डायरेक्टली बदलने के लिए नहीं कहते, बल्कि वह आपको अपने बिहेवियर को बदलने का सुझाव देते हैं। इस स्टेप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, साइकोपैथ जब तारीफ करते हैं तो वो असल में तारीफ नहीं कर रहे होते हैं, ये बस आपको उनके हिसाब से बिहेव करने पर मजबूर करने के लिए मैनिपुलेट करने का तरीका होता है। याद रखें कि आम लोग ऐसी चीजें नहीं करते। जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं उन्हें आपको हमेशा खुश रखने की जरूरत नहीं होती है। ग्रूमिंग का तीसरा और आखिरी स्टेप है टेस्टिंग द वाटर्स, यानी किसी चीज को भापने की कोशिश करना। आपको अपने हिसाब से बदलने के बाद अब साइकोपैथ आपको टेस्ट करते हैं। वह देखना चाहते हैं कि अगर वह आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप उससे बहस करेंगे या नहीं। यहीं पर जाकर साइकोपैथ का ग्रूमिंग प्रोसेस पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर है द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। एक साइकोपैथ से ब्रेकअप करना आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल कामों में से एक होगा। साइकोपैथ आपको अपनी जिंदगी से आसानी से जाने नहीं देगा, लेकिन आपको उससे दूरी बनानी होगी और उससे ब्रेकअप करने के फैसले पर टिके रहना होगा, नहीं तो वो आपकी जिंदगी को बद से बदतर बनाता जाएगा। आपके हीलिंग का रास्ता भी मुश्किल होगा। आप कुछ समय तक खोया खोया महसूस करेंगे क्योंकि उस साइकोपैथ ने आपको ऐसा सोचने के लिए ग्रूम कर दिया होगा कि आपकी आइडेंटिटी उससे जुड़ी हुई है। इस प्रोसेस में आप दुख और गुस्सा भी एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन जब आप इस सफर में होंगे तब आपको पेशेंस रखना होगा और खुद के साथ जेंटल भी रहना होगा। जब बात एक साइकोपैथ के साथ रहने के बाद ठीक होने की आती है तो इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। इस दुख का पहला स्टेज है डिवस्टेशन, यानी टूटा हुआ महसूस करना। इस स्टेज पर आप जानते हैं कि उस व्यक्ति से ब्रेकअप करना ही सबसे सही डिसीजन है, लेकिन फिर भी आपको टूटा हुआ महसूस होता है क्योंकि आपने किसी को खो दिया होता है। इस समय के दौरान ये जरूरी है कि आप खुद पर फोकस करें, ना कि उस इंसान पर जो आपकी जिंदगी का अब हिस्सा नहीं रहा है। दूसरा, ऐसे में किसी प्रोफेशनल की मदद लेना भी अच्छा होता है। एक साइकोपैथ के साथ रिलेशनशिप में रहना आपको बहुत तरह सदमा पहुंचा सकता है, इसलिए आपको ठीक होने के लिए एक प्रोफेशनल की मदद की जरूरत हो सकती है। इस दुख का दूसरा स्टेज है डिनायल, यानी किसी चीज को मानने से इनकार कर देना। एग्जाम्पल के लिए, कर्ट ने अपने एक्स से ब्रेकअप कर लिया था। कर्ट वैसे तो अपने ब्रेकअप के बाद नॉर्मल लाइफ जीने लगा था, लेकिन बीच बीच में वह अपनी एक्स पार्टनर को ऑनलाइन स्टॉक भी करता था और यही उसे डिनायल के मोड पर ले जा रहा था। उसे ऐसा लगा था कि वह अपनी टॉक्सिक एक्स को भूल नहीं पाया है और उसके पास वापस जाना चाहता है। इस स्टेज पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। एक तरह से वो जानते हैं कि एक टॉक्सिक पार्टनर के पास वापस जाना बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन वह उसके साथ को मिस भी करते हैं। यह कंफ्यूजन उन्हें इंपल्सिव और खुद को बर्बाद करने वाले बिहेवियर की ओर ले जाता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल है किसी के साथ भी कैजुअल सेक्स कर लेना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और पार्टी जैसे चीजें करना। आप इन चीजों को इसीलिए करते हैं क्योंकि यह आपको कुछ देर के लिए हाई महसूस करवाते हैं, जैसा कि आपने सिर्फ तब एक्सपीरियंस किया था जब आप अपने एक्स के साथ थे। इस दुख का तीसरा स्टेज है एजुकेशन और सेल्फ डाउट। इस स्टेज पर आप इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिरकार आप इतना ज्यादा कैसे टूट गए। आपको यह भी एहसास होता है कि आपके एक्स पार्टनर में कुछ तो बहुत गलत था, लेकिन फिर भी आपको अफसोस होना बंद नहीं होता है। आपके मन में ये ख्याल तक आने लगता है कि क्या वो व्यक्ति आपकी वजह से साइकोपैथ बन गया है। जब आप ठीक होने की कोशिश कर रहे हो तो अपने एक्स के साथ किसी तरह की बात ना करें और ना ही उसके कॉन्टेक्ट में रहें। इस बात का बहुत ज्यादा चांस है कि वो फिर से आपसे झूठ बोलेगा। अगर आपको उससे बात करने का बहुत मन करे तो खुद का ध्यान कहीं और लगा दें, जैसे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं, एक्सरसाइज करें या किसी हॉबी में खुद को उलझा कर रखें। एक साइकोपैथ के साथ रहने से आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। चौथा स्टेज है उस साइकोपैथ को समझना। अब आप ज्यादा गहराई से रिसर्च करते हैं और आपको एहसास होता है कि उस रिलेशनशिप में आप एक विक्टिम थे। वो रिलेशनशिप आपकी वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से खत्म हुआ क्योंकि आपका एक्स एक साइकोपैथ था। पांचवा स्टेज है देर से आने वाले इमोशंस। इस स्टेज पर आपको दोबारा गुस्सा, डिप्रेशन और उदासी महसूस होगी। आपको इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि उस रिलेशनशिप में आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया था। इस तरह के ड्रामेटिक एक्सपीरियंस को बर्दाश्त करने के लिए आपको खुद पर तरस आने लगेगा। खुद पर तरस आने की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है,
इसीलिए खुद को बार बार याद दिलाते रहें कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अफसोस कि साइकोपैथ्स अपने पार्टनर को गैसलाइट करने में अच्छे होते हैं, वह दूसरों को धोखा देने में और अब्यूज करने में मास्टर होते हैं। छठा स्टेज है मासूमियत का खत्म हो जाना। गुस्सा महसूस होने के बाद आपको गहरी उदासी महसूस होगी खुद के लिए, और जिस चीज से आपको गुजरना पड़ा उसके लिए आपको बहुत दुख महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने खुद को खो दिया है और आप नहीं जानते कि खुद को कहां ढूंढना है और वापस लाना है। इस पॉइंट पर इस बात को हमेशा याद रखें कि घने अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अभी भी ठीक हो सकते हो और लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है लुकिंग बैक मूविंग फॉरवर्ड। कोई भी इमोशनली हेल्दी इंसान वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा आप शायद अभी रिएक्ट कर रहे होंगे। आपको गुस्सा आ रहा होगा और ऐसा भी महसूस होगा कि इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। अपने एक्स के बारे में सोचकर अब आपको घिन आने लगेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप उसके साथ बिताए हुए पलों को मिस करेंगे। हीलिंग के प्रोसेस का एक हिस्सा है पीछे मुड़कर देखना कि आप उस रिलेशनशिप के दौरान कैसे बिहेव करते थे। इस बात के लिए खुद पर नाराज ना हो कि आपने उस सनकी से पीछे छुड़ाने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। पीछे मुड़कर देखने का मकसद खुद को यह याद दिलाना है कि आप एक दर्दनाक एक्सपीरियंस से होकर गुजरे हैं। हर हेल्दी रिलेशनशिप में अपने उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप की वजह से आपको डिप्रेस्ड, घबराहट और डर महसूस नहीं होना चाहिए। ये इमोशंस सिर्फ साइकोपैथ की वजह से आ सकते हैं। अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का एक तरीका है अपने एक्स के अगले टारगेट को एक लेटर लिखना। बेशक आपको असल में इसे अपने एक्स के करंट पार्टनर को नहीं भेजना है, ऐसा करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि इससे आपके ठीक होने का प्रोसेस भी रुक जाए। भले ही आप उसके करंट पार्टनर की मदद करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि एक साइकोपैथ के ग्रूमिंग प्रोसेस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि उसके करंट पार्टनर को ऐसा लगे कि आप बस उसके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह भी सोचेंगे कि शायद आप अभी भी उस साइकोपैथ से प्यार करते हैं। इसीलिए उस इंसान पर फोकस कीजिए जिसकी आप अभी मदद कर सकते हैं, जो कि आप खुद हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोस्पेक्शन एंड इनसिक्योरिटीज। कहीं ना कहीं आप इस बात को जरूर जानते हैं कि सभी लोग आपके साइकोपैथ एक्स की तरह नहीं है। आपको यह भी पता है कि उस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप अपने ठीक होने के सफर पर हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को अवॉइड नहीं किया जा सकता कि आप अभी भी इनसिक्योर महसूस करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन वो पहली चीज है जो आपको अपने ठीक होने के सफर में करनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपने एक्शन और बिहेवियर के बारे में सोचना। यह आपको पता करने में मदद करता है कि क्यों कुछ चीजें आपको ट्रिगर करती हैं और क्यों कुछ चीजों में आपको दूसरों का अप्रूवल चाहिए होता है। इसीलिए खुद से सवाल पूछें। यह मुश्किल होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके साइकोपैथ एक्स ने आपको कैसे अब्यूज किया था। यह आपको फ्यूचर में होने वाली इमोशनल अब्यूज से बचाएगा। तो आप किस चीज को लेकर इनसिक्योर हैं? इसके कुछ कॉमन जवाब हैं। आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका करियर और आपके पास कितना पैसा है। यह अटेंशन या तारीफ पाने की जरूरत या अकेले रह जाने का डर भी हो सकता है। साइकोपैथ में यह जानने की एबिलिटी होती है कि कौन सी इनसिक्योरिटी आप पर सबसे ज्यादा असर करती है, इसीलिए वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वेरोनिका को हमेशा अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर महसूस होता था। जब वह यंग थी तब उसकी माँ उसके चेहरे के फीचर को क्रिटिसाइज करती थी और कहती थी कि सारे भाई बहनों में से वह सबसे कम सुंदर है। जब वेरोनिका अपने टॉक्सिक एक्स सैम से मिली तो उसकी यह इनसिक्योरिटी गायब हो गई। सैम गुड लुकिंग था तो वह किसी कम सुंदर इंसान को तो पार्टनर के तौर पर चूज नहीं करता। इस चीज ने वेरोनिका के आइडिया को वैलिडेट कर दिया। सैम को वेरोनिका के इनसिक्योरिटी के बारे में पता था, इसलिए वह हमेशा उससे कहता था कि वह बल्ला की खूबसूरत है और अभी तक उसने जितनी भी औरतें देखी उनमें सबसे ज्यादा गॉर्जियस है। जब सैम ने वेरोनिका से ब्रेकअप किया तो उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह बदसूरत है। अब कोई भी उसे नहीं कहता था कि वह खूबसूरत है और इस चीज ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उसने खुद की केयर करना बंद कर दिया और शीशे में खुद को देखना भी छोड़ दिया। वेरोनिका को इस शौक से निकलने में बहुत वक्त लगा, लेकिन फिर शुरुआत हुई उसके हीलिंग प्रोसेस की। अब वो पीछे मुड़कर इस बात पर गौर करने लगी कि वह कौन सी चीज थी जिसने उसे सैम से इतनी बुरी तरह अटैच कर दिया था, और उसे एहसास हुआ कि इसकी वजह थी कि वो उसे अपने लुक्स के लिए वैलिडेशन चाहती थी। इसलिए वेरोनिका थेरेपी लेने लगी और अपनी जिंदगी में बदलाव किए। अब वह अपने लुक्स को ऐसी चीज मानने लगी जिसके लिए उसे दूसरों से तारीफ पाने की जरूरत नहीं थी। उसे भरोसा था कि वह अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी खूबसूरत है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन पर। सबसे पहले आपने जाना कि आमतौर पर साइकोपैथ या टॉक्सिक लोगों को कैसे पहचानना है। वह आपको गैसलाइट करते हैं
और किसी तरह की हमदर्दी नहीं दिखा पाते हैं। टॉक्सिक लोग दोगले होते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं और बहाने भी बनाते हैं। आखिर में वह आपकी गलतियों पर फोकस करते हैं, लेकिन उन्हें कभी अपनी गलती नजर ही नहीं आती। दूसरा, आपने जाना कि कैसे एक साइकोपैथ किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। वह अपने विक्टिम को ग्रूम करता है ताकि वो उसके चंगुल से बाहर ना निकल पाए। ग्रूमिंग में 3 स्टेप होते हैं, आइडियलाइजेशन, इनडायरेक्ट पर्सुएशन और टेस्टिंग द वाटर्स। तीसरा, आपने साइकोपैथ की गिरफ्त से आजाद होने के बाद के दुख के अलग अलग स्टेजेस के बारे में जाना। पहला है डेविस्टेशन, दूसरा है डिनाइल, तीसरा है एजुकेशन और सेल्फ डाउट, चौथा है साइकोपैथ को समझना, पांचवा है देर से आने वाले इमोशन और छठा है मासूमियत का खत्म हो जाना। चौथा, आपने जाना कि पास्ट के बारे में सोचना अच्छा होता है ताकि आप आगे बढ़ पाए। ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है कि उस साइकोपैथ के अगले टारगेट को इमेजिन करके एक लेटर लिखना। आखिर में आपने ठीक होने के एक और टेक्निक के बारे में जाना। आपने अपनी इनसिक्योरिटी का सामना करना सीखा ताकि कभी कोई और साइकोपैथ आपको मैनिपुलेट और अब्यूज ना कर पाए। ठीक होने के सफर में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आप आसानी से वापस ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन याद रखें कि जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ठीक होने में आपको जितना समय लगे उतना समय लें। जो चीज़ ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि आप फिर से खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार उस साइकोपैथ की केस से आजाद हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, इसलिए उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें और सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। तो दोस्तों, ये कमाल की बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ।